नमस्कार, मैं प्रभात और आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर बरार स्क्वायर में हूँ, दिल्ली के बरार स्क्वायर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेलवे कॉलोनी है। बरार स्क्वायर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर पटरी के बहुत सारे चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पर मटेरियल दिख रहा है। और ये पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ी और इस तरीके से दिख रहे हैं। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं। 2 अक्टूबर, जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है आज। और जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी कहते थे कि शोषण विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, यानी कि शोषण विहीन समाज का स्थापना तभी हो सकता है जब सभी लोग समान रूप से शिक्षित बने और वो अपने ज्ञान का प्रसार इस तरीके से कर सकें कि लोग अपने कर्तव्यों और मूल अधिकारों के प्रति जागरूक हों, तब जा करके एक शोषण विहीन समाज की स्थापना हो सकती है। आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो कल्प वृक्ष फाउंडेशन यहाँ पर इन बच्चों को तैयारी कराता है और पढ़ाता है। ये लोग काफ़ी कुछ यहाँ पर सीख रहे हैं ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं बच्चों से। तो आप लोग क्या जानते हैं, आज कौन सी किसकी जयंती है? गांधी जयंती पर आप लोग कोई कविता सुना सकते हैं? कोई है ऐसा जो कविता सुना सके? चलिए आप सुनाइए कुछ। गांधी, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। आपका नाम क्या है? निशा। निशा, कौन पढ़ाता है आपको? आलोक भैया, रविकांत भैया, नीतू दीदी। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं वो लोग आपको? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब। अच्छा, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती हैं। इन बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाता है। और आप कुछ कहना चाहेंगे गांधी जी के बारे में? हाँ, 2 अक्टूबर है। हाँ, आज हम गांधी जयंती मनाएंगे। हाँ, क्यों मतलब मनाते हैं गांधी जी को, क्यों लोग जो है मनाते हैं गांधी जयंती? हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि गांधी जी ने आज़ादी दिलाई थी। और आप क्या बताइएगा गांधी जयंती के बारे में? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और यहाँ पर बहुत सेलिब्रेशन होता है। और गांधी जी ने जैसे हमारे लिए संघर्ष करते थे, वैसे हमारे भैया लोग हमारे लिए पढ़ाई के लिए संघर्ष करते हैं। टाइम निकाल के हमारे लिए पढ़ाई करने के लिए अपना टाइम निकाल के आते हैं हमारे लिए। जैसे कि हमारे पास जगह नहीं था तो उन्होंने कैसे भी करके हमारे लिए जगह निकलवाई। फिर उसके बाद हमें पढ़ाने के लिए मैट दिलवाए। फिर हमें बहुत मुश्किल से पढ़ाई की जा रही है। वो भी आपका नाम क्या है? तन्नु। आप भी यहीं से हैं? हाँ। तो आप पढ़ाती हैं या पढ़ रही हैं? पढ़ रही हूँ मैं। कौन सी क्लास में आप पढ़ रही हैं? नाइन्थ में। नाइन्थ में, तो इन बच्चों का आप हेल्प करती हैं? हाँ, कभी कभी कर देते हैं भैया लोग, मतलब व्यस्त रहते थोड़े बहुत काम में तो हम भी कर देते हैं। अच्छा, और कोई कुछ बोलेगा गांधी जी के बारे में? आइए इधर आइए। आपका नाम क्या है? आ जाओ इधर आ जाओ। गांधी जी के बारे में आप कुछ बोलिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उन्होंने भारत को आज़ाद, और ना तो उन्होंने कोई हथियार लेके भारत को आज़ाद करा था, उन्होंने अपने विचार से भारत को आज़ाद करा था। और उन्होंने अपना हथियार उसको बनाया था, चरखा को, जो आज भारत के लिए कपड़ा बनाया जाता है। और हाँ, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं गांधी जी। और इस तरीके से बहुत सादगी के साथ जीवन व्यतीत करते थे और यही चाहते थे कि सभी लोग शिक्षित बने। तो आप लोग क्या क्या करते हैं? आपका क्या नाम है? विकास। विकास, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? फोर्थ। फोर्थ में। क्या पढ़ते हैं आप लोग? हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ा था कल। हिंदी में क्या पढ़े थे आप? हिंदी में रीडिंग। हाँ, रीडिंग। आप छोटा बड़ा से लिख सकते हैं? वर्णमाला जानते हैं? हिंदी वर्णमाला। हाँ, अल्फाबेट ABCD जानते हैं? सुनाइए। कौन से? ABCD सुनाइए। ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ Y Z। ठीक है, और छोटा बड़ा नहीं आता आपको? चलिए, आपको कोई छोटा बड़ा सुनाएगा? आओ इधर आओ, सुनाओ। आसे अनार, आसे आम, इसे मिली, इसे एक, उसे उल्लू, उसे ऊन, ऋषि ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, उसे उखली, उसे औरत, उनसे ऊ रहा खाली।
और उसके बाद घासे कबूतर घासे खरगोश घासे गमला घासे कड़ी अना खाली छासे चम्मच छासे छाता झासे जहाज झासे झंडा अना खाली टासे टमाटर ठासे टटेरा ढासे डमरू ढासे ढक्कन अना खाली तासे त्रिभुज थासे त्रिमत दासे दवा धासे धनुष नासे नल आसे फल बासे बतक। चलिए ठीक है, ये आपको किसने सिखाया? पापा ने। पापा ने सिखाया। और यहाँ पर जो आपको बस टीचर जो पढ़ाते हैं भैया लोग कुछ पढ़ाते हैं वो लोग कुछ सिखाते हैं क्या? उन्होंने क्या सिखाया आपको? इंग्लिश में क्या सिखाया आपको? ABCD। अच्छा आपका नाम क्या है? शिवम। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड। चलिए देख रहे हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ के बच्चों की प्रतिभा। और भी कोई है जो गांधी जी के बारे में बता सके? कोई बोलेगा? आज गांधी जी की जयंती है। हाँ, और किसकी जयंती है? लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। कौन थे वो? दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन थे? दूसरे प्रधानमंत्री थे वो। कोई बताएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है आज। जन्म वो भी है, इस दिन जन्मदिन वो भी इस दिन जन्म लिए थे। आज वो भी देश के लिए रक्षा के लिए मर गए थे, इसलिए उनकी भी जयंती आज मनाई जाती है। स्वच्छ होगा भारत सारा, स्वच्छ होगा देश हमारा, मिलजुल कर करेंगे काम, देश का ऊंचा नाम करेंगे, घर घर में खुशहाली होगी, बेटा बेटी एक समान, फिर चमकेगा हिंदुस्तान। आओ मिलकर करें विचार, साफ सुथरा हो घर द्वार, शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की, आओ बच्चों तुम्हें बताएं महत्व कचड़े दान की, बिना प्रबंध बीमारी फैलाओ जो दुश्मन जान की, उचित प्रबंध स्वयं बचाते करते किसान करते मदद किसान की, शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान। अपने देश को बचाया गौरव को था भगाया, दुश्मन को भी दिया प्यार, मनुष्य पर किया उपकार, गांधी जी आपको है नमन, आप पे चढ़ाए प्रेम सुमन। आपका नाम क्या है? आश्मीर। हाँ, आश्मीर। और किस क्लास में हैं आप? कौन सी कक्षा में पढ़ रही हैं? पढ़ती हैं? पहली कक्षा में पढ़ रही हैं। कहाँ रहती हैं आप? ब्रासकर में रहते हैं। ब्रासकर जुगी ना। मेरे बापू चांसदार है, छोड़ी चल हमको किसके सारे, जब मेरे बापू का जन्म हुआ था सारी हंसने लगी थी, जब मेरे बापू को गोली लगी थी सारी दुनिया रोने लगी थी, जब मेरे बापू को ले जा रहे थे फूलों की बरसात होने लगी थी, जब मेरे बापू को जला रहे थे चंदन की लकड़ियाँ रोने लगी। चलिए बापू जी के बारे में कुछ कुछ जानकारी है, आप का नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। यहाँ पर आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं? दो बच्चे पढ़ते हैं। क्या उनमें क्या मतलब यहाँ पर सीखे, और क्या आपको लगता है कि किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई जाती है? पढ़ाई तो यहाँ पर अच्छी चल रही है। पहले मेरे बेटे पे हिंदी नहीं पढ़ाई पढ़नी आती थी, पर अब रिजल्ट में भी अच्छा नंबर लेके आया है। ये ऐसा कैसा चलता रहे, थोड़ा और बच्चों को एक्सपीरियंस मिलेगा इससे और थोड़ा बच्चे और आगे बढ़ेंगे। और क्या कमी देखते हैं? कमी तो अभी जो शुरुआती पढ़ाई भी तो दो महीने हुए, हमें बहन को आए हुए एक महीने हुए, तो अभी जो हिंदी जो पढ़नी की हिंदी तो बहुत अच्छी पढ़ने लगे, धीरे धीरे ये भी प्रयास कर रहे, थोड़ा वो प्रयास कर रहे हैं, बाकी स्कूल प्रयास कर ही रहा है, इनके साथ थोड़ा और बढ़ जाएंगे आगे। आप क्या देखते हैं मतलब सरकार क्या कुछ करती है, और जिस तरीके से आप स्कूल में भेजते हैं और ये बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? बच्चे यहाँ भी थोड़ा एक्सपीरियंस सही ले रहे हैं, वहाँ तो मतलब इतना ले रहे हैं कि स्कूल वाला टाइम दे नहीं पाता सही से, यहाँ जो टाइम दे पाते यहीं वाले दे पाते सही से टाइम, यहीं आराम से बैठ के मिलकर पढ़ सकते हैं। कल वृक्ष फाउंडेशन जो है शुरुआत हुई थी इसकी 2017 में हुई थी, और इसमें बहुत सारे सदस्य मौजूद हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आते हैं। उन सदस्यों से हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये जो आप स्लम के बच्चों को देखे, आप जिस तरीके से यहाँ पर इन लोगों को शिक्षा दिया जा रहा है, इन लोगों को मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, तो हम जानेंगे किस तरीके से ये कल वृक्ष फाउंडेशन इसमें योगदान कर रही है। आप बताइए कि कल वृक्ष फाउंडेशन जो आप लोग यहाँ पढ़ाते हैं, अपना समय वक्त निकाल करके आते हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक कुमार वर्मा है, मैं भी कॉलेज फाउंडेशन का एक कार्यकर्ता हूँ। कॉलेज फाउंडेशन का शुरुआत 1 नवंबर 2017 को की गई थी। जब हमने कॉलेज फाउंडेशन का शुरुआत किया तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, पहले लोग हमारे पर ट्रस्ट नहीं करते थे, हमारे पास वॉलंटियर कमी होती थी, हमारे पास डोनेशन की कमी होता था, बट हमारे कुछ ऐसे एक्टिव कार्यकर्ता साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस और JNU कार्यकर्ता थे जो लगातार दिन रात संघर्ष करते रहे, और पूर्ण रूप से कॉलेज फाउंडेशन की स्थापना हमने 1 अप्रैल 2018 को
किया था जो कि 4-5 महीना में लग गया, और 4-5 महीना हमने कार्यकर्ता जुटाने में काम किया। उसके बाद हमारे पास कोर टीम हो गई, रविकांत, सुधीर, अभिनाश, सौरभ। कितने लोग इसमें काम करने लगे? अभी लगभग हमारे पास 60 वॉलंटियर हैं। तो आप देख रहे हैं 60 वॉलंटियर जो है ये सारे जो है स्टूडेंट ही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU के। हाँ, हम दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस के स्टूडेंट हैं। इसमें हमारे कॉलेज फाउंडेशन संस्था में दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU और IIT काफ़ी एक्टिव छात्र हैं, और हम शुक्रगुजार हैं ऐसे युवाओं के, छात्र को जो मतलब एक छोटे से गाँव से आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्था में पढ़ने के लिए, और जो अपना इंपॉर्टेंट टाइम होता है, करियर टाइम होता है, कोई MA कर रहा है, कोई MPhil कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, यहाँ तक कि उनके पास टाइम वक्त नहीं होता है कहीं टाइम निकालने के लिए, फिर भी अपने सप्ते का 1 घंटा 2 घंटा निकाल कर इस्लाम एरिया में आकर बच्चों को शिक्षा दान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप जैसे इन बच्चों को सबसे पहले जब आए होंगे पढ़ाने के लिए यहाँ पर, तो आपने क्या देखा इन बच्चों के साथ, क्या कमियाँ थी? नहीं, पहले हम तो यहाँ हमारा नाम आलोक कुमार वर्मा है, मैं शुरू से मतलब काफ़ी एक्टिव छात्र रहा हूँ अपने कॉलेज कैंपस में। तो मैं अपने कॉलेज का एक डिबेटर था जहाँ मैं डिबेट करने जाता था JNU में, IIT में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ एक चीज़ मिलता था, हम बड़ी बड़ी बातें बोल देते थे अशिक्षा के ऊपर, बाल मजदूरी के उधर बच्चे रेड लाइट पर खड़े होकर बैलून बेच रहे हैं, उनके बारे में हम कंडम करते थे, आवाज़ें उठाते थे, लेकिन उनके लिए हम एक कदम नहीं उठाते थे। फिर हम एक दो छात्र 1 नवंबर 2017 को पहला कदम हमने झुग्गी में जाकर रखा, वहाँ देखा तो वहाँ की अर्थव्यवस्था तो बेहतरीन ख़राब थी, और साथ साथ वहाँ जो शिक्षा था वहाँ बेहद ख़राब था। लड़के 8th क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, उनके 7th सीट का टेबल नहीं आता है। तो हम तो बार बार किसी गवर्नमेंट पर ब्लेम नहीं लगा सकते, हम किसी सरकार के ऊपर या व्यवस्था पर बार बार ब्लेम नहीं लगा सकते कि हम भी एक इंसान है और हम भी एक स्टूडेंट है, हमारा भी दायित्व बनता है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ सोचना। तो हमने सोचा था अगर हम किसी भी स्टूडेंट को 100 रुपया 500 रुपया डोनेट करते हैं तो पढ़ाई पैसा आ जाएगा, पैसा बस कल खत्म हो जाएगा, लेकिन हम एक शिक्षा एक ऐसा दान होता है जो शिक्षा के माध्यम से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम इन झुग्गियों में आते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, इंटरटॉक करते हैं, डिबेट कराते हैं इनसे, फिर अच्छे अच्छे मतलब हर चीज़ मतलब जो सेमिनार होता है इनका प्रेजेंटेशन लेते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं, चित्रकला करवाते हैं, और साथ में पढ़ाई कार्य करते हैं इनके साथ। ये जो हमारे छात्र होते हैं आते हैं पढ़ने के लिए, हमारी काफ़ी संतुष्टि मिलती है इनको पढ़ाने के बाद, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है क्योंकि हम तो बड़े खुशनसीब हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU संस्था में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, PG में रहते हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं, जो कि वहाँ हमारा मेन गाँव मतलब गाँव बसता है वहाँ पर। जिस प्रकार से हम एक रूम में सिर्फ 2 लड़के लटके जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, और यहाँ पर एक झुग्गी में 15-20 लड़के रहते हैं, तो किस प्रकार से उनका मतलब खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है, तो लड़के पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? और जब तक भारत को सुधारने तक एजुकेशन नहीं रहेगा तब हम किसी भारत या किसी भी देश का विकास नहीं हो पाएगा। हाँ, इसमें कितने बच्चे हैं यहाँ पर जिनको आप लोग इस तरीके से शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं? हमारे यहाँ कम से कम 70-80 लड़के हैं जो मतलब प्रॉपर पर डे पढ़ने के लिए आते हैं। शाम को पढ़ाने की टाइमिंग हमें 3:30 से 5:30 बजे तक होती है, और हमारा प्रयास है तो दिल्ली की काफ़ी झुग्गी पर हम बजाय अपना वॉलंटियर भेजें, प्रचार करें, कॉलेज फाउंडेशन को विस्तार करें, और ज़्यादा हम अपने झुग्गी का विस्तार करें ताकि ज़्यादा बच्चों को लाभान्वित हो सके। जी, 2 अक्टूबर को ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम को कराने का क्या मकसद है? 2 अक्टूबर का जो एक प्रकार जो गांधी जी थे हमारे किस प्रकार से आदर्श थे, जब 1914 में चंपारण जिला में आते हैं तो वहाँ की मनोस्थिति को देखते हैं तो किस प्रकार से हताशा, निराशा, अंधविश्वास वहाँ पड़ा रहता है, वहाँ के मतलब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए प्रयास करते हैं, और एक तरह से भारत को पूर्ण रूप से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाती है, लेकिन हम आज़ादी के 73 साल बाद भी पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार से बेरोजगारी, अशिक्षा, बाल मजदूरी एक समस्या बनती जा रही है। तो हम आज 2 अक्टूबर 2019 को मतलब गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम बच्चों को बस यही बताना चाहेंगे, तो कोई भी छोटा सा या बड़ा व्यक्ति हो अगर शिक्षा उसके पास रहेगा तो कुछ भी बन सकता है आगे चलकर। ये शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हम किसी को या कहीं पहुंच सकते हैं। हम भी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम भी एक गांव के रहने वाले हैं, UP के एक बहुत छोटे से गाँव से आते हैं बलिया से, जहाँ आज भी मतलब लाइट नहीं आता है, लेकिन हमारे घर वालों ने कितना हार्ड वर्किंग करके हमें दिल्ली विश्वविद्यालय संस्था में भेजा, उसका अगर हम यहाँ खड़े होकर इन बच्चों को हम पढ़ाने का कार्य करें तो उसके पीछे का एक ही उद्देश्य शिक्षा, अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो इन बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हमसे एक सदस्य और जुड़ गए हैं, रविकांत मौर्य। रविकांत मौर्य जी, आप लोग कल्प वृक्ष फाउंडेशन में जिस तरीके से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा, उससे क्या सीखा आपने? प्रथम चीज़ सर ये है कि पहले तो जो सीखने की बात है, पहले तो हमने कॉलेज में सीखा, लेकिन हमने देखा कि जो कॉलेज में सीख रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं वो एजुकेशन पर्याप्त नहीं है। अगर आप भारत को बदलना चाहते हैं, देश को बदलने की इच्छा रखते हैं, तो आप ज़मीन पे जाइए, ज़मीनी स्तर की जो चीज़ें हैं। हमने देखा दिल्ली राजधानी है इंडिया की, और यहाँ पे राजधानी है लेकिन 5000 झुग्गियाँ हैं दिल्ली में, 5000 लगभग एक सर्वे के थ्रू पता चला। तो यहाँ की मैंने देखा दिल्ली के शहर की जब ऐसी कंडीशन है तो गांव की कंडीशन क्या हो सकती है। तो हमने जो सीखने की चीज़ मिली ये कि एक दूसरे का सहयोग करके हम बहुत आगे जा सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके। तो वहीं हमने कॉलेज के कुछ बच्चों से मिले और उन्होंने उनकी राय हमारी राय मिली, और हम लोगों ने एक छोटा सा संगठन कल्पिक फाउंडेशन बनाया था 1 साल पहले, और वही अब हम झुग्गियों में आके एक संगठन
बन के काम कर रहे हैं। और यही सीखने की चीज़ यही है कि अगर हम छोटे छोटे पार्ट भी अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाएं तो हम कुछ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। तो अभी हम लोग यही कल यहाँ बराड़ स्क्वायर रेलवे स्टेशन के पास की झुग्गी में काम कर रहे हैं। इसके पहले वहाँ किरवी प्लेस में भी था, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अभी वहाँ पे बंद हो रखी है। अभी यहाँ पे प्रॉपर वर्क हो रहा है जी। तो ये बच्चे क्या आप लोगों से सीखते हैं? बच्चे सर हम लोगों की, पहले तो हम केवल, वो तो स्कूल भी जाते हैं बच्चे, काफ़ी कुछ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनके लिए तो हम लोग है ही है, जो बुक की नॉलेज है वो तो देते ही देते हैं, लेकिन उनके हम लोग देखते हैं टैलेंट, क्या टैलेंट है उनके अंदर। हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे जिस किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन टैलेंट सबके अंदर है। तो वो हम टैलेंट पहले उनको टैलेंट को देखते हैं, जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, क्राफ्टिंग है, और भी बहुत सारे टैलेंट हैं उनके अंदर। तो वो टैलेंट देखते हैं और उनके उसके हिसाब से हम टीचर्स, मतलब जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जैसे अब कोई किसी सोसाइटी में है, जैसे हमारे सोसाइटी एसडी कॉलेज सोसाइटी में आरटी सीनियर सोसाइटी, तो क्राफ्टिंग की सोसाइटी है, तो वहाँ से हम बच्चों को आप बुलाते हैं और वो बच्चों को सिखाने के लिए बुलाते हैं। जैसे डांसिंग के लिए हमने किसी और को हायर किया हुआ है, तो हम उनके टैलेंट को, एजुकेशन बुक की नॉलेज देने के साथ साथ उनके टैलेंट को भी निखारने की कोशिश करते हैं। यानी कि रचनात्मकता और सृजनात्मक चीज़ों की का भी विकास हो रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नाम क्या है और आप किस कॉलेज में स्टूडेंट? मेरा नाम नीतू है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में साउथ कैंपस में हूँ, एमए। जी, तो यहाँ पे जैसे बच्चों को आप जो बता रहे हैं, जिसके प्रति जागरूक कर रहे हैं, तो वो क्या किस तरीके से अन्य बच्चों से यहाँ पर अलग हैं वो बच्चे, और उनको कितना आप लोग मतलब सहयोग देते हो, किस तरीके से वो सीख रहे हैं आपसे? पहला तो ये है कि जैसे झुग्गी में और भी बच्चे पढ़ते हैं, कुछ लोग अच्छे स्कूल में जाते हैं, कुछ लोग जैसे भी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाती है। ये भी देखा गया है कि वो है फिफ्थ क्लास में, उन्हें थर्ड क्लास की भी चीज़ नहीं आ रही है, तो जो भी अगर वो लोग फिफ्थ क्लास में भी हैं, तो वहाँ तक कि उनको बेसिक लेवल एजुकेशन आ जाए, तो वो हमने पूरा प्लान करके वो प्रोवाइड करते हैं उनको। चलिए, इसमें आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, तो कैसे अपना टाइम निकाल करके इन बच्चों के साथ खपाते हैं, और आपको कैसा महसूस होता है ये सब करते हुए? टाइम हो जाता है, बिकॉज हफ्ते में दो ही, एक या दो दिन आपको आना पड़ता है, तो एक या दो दिन तो कोई भी मैनेज कर सकता है हफ्ते में, और फिर दो घंटे की ही क्लास होती है, तो और फिर अच्छा तो ऑब्वियसली लगता है जब आप किसी को पढ़ा रहे हो, रिजल्ट अच्छा है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निरंजन हमारे साथ हैं, जो हिंदी विभाग के हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है और शास्त्री जी की भी जयंती है। ये मेरे विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों ने मुझे बुलाया, और मैं सिर्फ देखने के लिए कि वो कैसे काम करते हैं, मैं इन बच्चों से जुड़ा हूँ काफ़ी दिनों से, और 2 अक्टूबर के इस कार्यक्रम को देखने के लिए कि हमारे बच्चे जो हमारे विद्यार्थी हैं, इन बच्चों के लिए जो गांधी जी के बारे में कहा था ना कि बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, कि अगर आप जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं, उस परिवर्तन की शुरुआत आप खुद बने, और वो परिवर्तन की शुरुआत सिर्फ यहाँ से ही हो जाती है कि बच्चे केवल ये कथनी में ही काम नहीं कर रहे हैं कि अच्छा कच्चा होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन के वाहक बन चुके हैं हमारे ये बच्चे। जैसे मेरे विद्यार्थी हैं आलोक, जो एक तरह से इस कार्यक्रम के पूरे संयोजक हैं और कल्पवृक्ष फाउंडेशन चलाते हैं, तो इस ढंग के जो शुरुआत हैं और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम मिलकर ही, जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद मिलकर घड़ा भरता है और घड़े से फिर समुद्र बन जाता है, तो जिस ढंग का कार्यक्रम ये चल रहा है बच्चों के निर्माण में, उनके चरित्र के निर्माण में, उनके शिक्षा के विकास के लिए, निश्चित रूप से ये गांधी जी के सपने को पूरा करते हुए दिखता है। गांधी जी ने भी कहा था ना कि अंतिम जन की चिंता करो, तो उसी अंतिम जन के बच्चे यहाँ पर हैं, जिसके लिए हमारे बच्चे और मैं जो भी कर सकते हैं हम लोग करते हैं। निश्चित रूप से लाल बहादुर शास्त्री भी भारत के एक लाल हैं, और यह लाल भी देश की सेवा के लिए समर्पित था। जय जवान जय किसान का नारा देने वाला, सादगी सरलता और ईमानदारी का प्रतीक ये व्यक्ति, ये हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री, ये भी हम लोगों की प्रेरणा है। और जब वो कहते हैं कि जय जवान जय किसान, तो उसमें जय जवान जय किसान में जय पूरा का पूरा भारत है, और भारत के सारे बच्चे हैं, जिसकी ओर महात्मा गांधी इशारा करते हैं और शास्त्री जी भी इशारा करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।